गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। इससे पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि इवॉल्व कंस्ट्रक्शन क्या होता है। इवॉल्व कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक मिनट थोड़ा देख लेते हम क्या होता है। वहां पे जो पॉल पीटर इवॉल्व थे, उन्होंने इवॉल्व कंस्ट्रक्शन दिया था। पॉल पीटर एक फिजिसिस्ट या क्रिस्टलोग्राफर कह लीजिए, उन्होंने क्या बताया था, अगर हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस का अरेंजमेंट कर ले। और मैंने बताया था जो रेसिप्रोकल लैटिस क्या था, डायरेक्ट लैटिस का जो प्लेन था, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट लैटिस में अगर कोई प्लेन मैं ले लूं, अगर वहां पे क्या करते हैं उसके अंदर कोई ऑर्बिट्री पॉइंट चूज करके उस प्लेन के नॉर्मल अगर एक वेक्टर मैं ड्रॉ कर दूं, उसके आगे एक पॉइंट को मैं मेंशन कर दूं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। इसी तरीके से जितने भी क्या होंगे हमारे प्लेन्स होंगे, उससे नॉर्मल मैं ड्रॉ करूंगा और वेक्टर ड्रॉ करूंगा, उसके आगे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट होते हैं। अभी इन्हीं रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट का मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं अरेंज कर दूं, ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है, ये जो मैं अरेंज कर रहा हूं ये क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है। ये रेगुलरली क्या कर दिए इन्होंने, अरेंज कर दिया था, ठीक है ना, अरेंज कर दिया था। अरेंज करने के बाद कोई एक ऑर्बिट्री पॉइंट उन्होंने चूज कर लिया, वो स्वेच्छानुसार आप चूज कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो कहां पर हो, वो लैटिस पॉइंट पर ही क्या करे वो मिले, ठीक है ना। उसके बाद कोई पॉइंट उन्होंने एक पॉइंट चूज कर लिया, और उसके बाद पॉइंट चूज करने के बाद उन्होंने क्या किया, वन बाय लैम्डा वेवलेंथ, इतने डिस्टेंस चलूंगा कि उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाए, वन बाय लैम्डा वेवलेंथ क्या करते हैं इन्होंने क्या किया, लिया ये वन बाय लैम्डा वेवलेंथ, किधर भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, हर जगह रेडियस उसकी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। यानी क्या किया उन्होंने, ऐसे क्या करते हैं, वन बाई लैम्डा वेवलेंथ उन्होंने ले लिया, और इसी वन बाई वेव, क्यों भाई के होता, के की वैल्यू कितना, 2π/λ प्रोपोगेशन कांस्टेंट एक्सरे बीम की, ठीक है ना। और ये अगर रोटेशन ना ले तो 1π/λ ये लेंथ लेकर उन्होंने क्या किया, एक एक क्या किया, कंस्ट्रक्शन तैयार कर दिया। और वो कंस्ट्रक्शन अगर 2D है, अगर 2D है तो क्या होगा, सर्कल होगा, और 3D है तो क्या होगा, स्फीयर होगा। अभी इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया, तो इसी स्फीयर को क्या बोलते हैं, इसी सर्कल को इवॉल्व सर्कल, और इसको क्या बोलते हैं, इवॉल्व स्फीयर कहते हैं, ये इवॉल्व ने बताया। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ऐसे क्या किया, उन्होंने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, उन्होंने एक स्फीयर क्या किया, ऐसे उन्होंने क्या कर लिया, ऐसे ड्रॉ कर लिया स्फीयर, कर लो कह लो, चाहे स्फीयर कह लो चाहे आप सर्कल कह लो, अगर वो कंडीशन होगी, अगर 2D है तो सर्कल होगा और 3D है तो क्या होगा, स्फीयर होगा। और इसी को, इसी सर्कल को, इसी स्फीयर को उन्होंने इवॉल्व कंस्ट्रक्शन कहा, अगर 2D है तो इसको इवॉल्व सर्कल कहा, 3D है तो इसे इवॉल्व स्फीयर कहा। किसने कहा, इवॉल्व ने कहा, ठीक है ना। अब उन्होंने उसके बाद उन्होंने बच्चों एक कहानी बताई, उन्होंने एक कंडीशन बताई, ये एटम मान लेते हैं यहाँ बाउंड्री पर है, ठीक है ना, बाउंड्री पर होनी चाहिए, ये थोड़ा ऊपर कर दो, बाउंड्री पर होनी चाहिए, ठीक। उन्होंने एक बात बताई कि यहां पर क्या है, अगर यहाँ पे कोई प्लेन है हमारा, ये क्या कहते हैं कि ये तो क्या है कि ये हमारा प्लेन हो गया जिसकी मिलर इंडिसेस HKL है, मिलर इंडिसेस HKL है, और यहां पर कोई क्रिस्टल रख दिया गया है, यहाँ पर क्रिस्टल रख दिया गया है, तो यहां से क्या कर रहा है, यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहां से लाइट क्या हो रही है बच्चों, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, क्या हो रही, यहां से देखो ऐसे लाइन इंसिडेंट हो रही है, एक्सरे, यानी ए क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ए क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ कोई क्रिस्टल या रखा है, यहां पर जब आएगी वो कितने एंगल पर आएगी, बोलो,
ये प्लेन से कितना एंगल बनाएगी, थीटा एंगल पर क्या करेगी, ये टकराएगी। जब टकराती थी क्या करते थे, ये उसी डायरेक्शन में ये क्या करते, एक वेव वेक्टर ड्रा कर दिया इन्होंने। इन्होंने इसे क्या बोला कि आई बोला, और यहां से क्या किया, यहां से ये एक रे क्या कर गई, डिफ्रेक्ट कर गई, ऐसे डिफ्रेक्ट कर गई। माफ करना, ये जो लैटिस पॉइंट होगा, रेटिस फोकल लैटिस पॉइंट है, ये थोड़ा साइड में है, तो ऐसे चले गए। इसी इसको इन्होंने केडी नाम दे दिया। केडी मतलब डिफ्रेक्टेड एक्सरे बीम कहो, या तो स्कैटर्ड एक्सरे बीम कहो। और ये कितने एंगल पे, ये थीटा एंगल पे ही क्या करेगी, ये डिफ्रेक्ट होगी। और उसके बाद उन्होंने, अब मैं यहाँ ए दे दिया, यहाँ ओ दे दिया, और यहां से एक इन्होंने क्या किया, वेक्टर ड्रॉ कर दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जी कहते हैं। इसी को रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। इसकी मैंने बताया एच ए स्टार के बी स्टार एक्स और एल सी स्टार एक्स मैंने बताया था। इसकी वैल्यू 2π/dHkL मैंने बताया था, ठीक है ना। तो ये जानते रहिए। उसके बाद तो ये पॉइंट कोई बी ले लिया, और यहाँ का क्या है, जो कोऑर्डिनेट है एच डैश के डैश और क्या है एल डैश है। और इसकी जो वैल्यू है एच डैश की, आपको पता है कि एन एच है, के डैश की वैल्यू एन के होती है, और एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एल हो जाएगी। और ये एच के एल क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लैटिस के प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो वहां पे इन्होंने क्या किया, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है ना। तो आइए, तो इतनी बात तो बोल्ड ने बताया था। अब क्या करते हम आगे, हम ब्रैक्स लॉ को क्या करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और उन्होंने मान लेते इसको वेक्टर के मान लिया, डेल्टा के। अगर ये वेक्टर क्या करेगा, इस इवॉल्व सर्कल या स्फीयर के, इस इवॉल्व स्फीयर या सर्कल के पर जो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट होगा, अगर ये जो वेक्टर है, अगर वो डायरेक्टली क्या करेगा, उसकी ओर इंडिकेट करेगा, यानी ये वेक्टर उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, तो डिफ्रेक्शन पॉसिबल होगा और ब्रैक्स कंडीशन को होल्ड करेगा। समझ गए मेरी बात, अदरवाइज नहीं। अगर मैं कह दूं कि यहां पर एक वेक्टर मैंने और बना दिया, यहां पर मैंने बना दिया इसको डेल्टा के वन, ये कहीं रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट पर क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, नहीं मीट कर रहा है, इसका मतलब डिफ्रेक्शन नहीं होगा, यानी ब्रैक्स कंडीशन को वो होल्ड नहीं करेगा। ये सारी बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ब्रैक्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ब्रैक्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है। हमने बताया था ना, यहाँ कोई क्या है, एक इंसिडेंट पॉइंट है, यहाँ कोई एक इंसिडेंट पॉइंट है, इस इंसिडेंट पॉइंट पर क्या है कि कोई क्रिस्टल रखा हुआ है। तो यहां से क्या करेगी, यहां से एक्सरे आई, और ये पहले देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये प्लेन है, और ये हमारा क्रिस्टल रखा हुआ है, ये क्या है, क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, ये एच के एल क्या है, प्लेन है। और क्या करते हैं, इधर से क्या करते हैं, एक एक्सरे बीम आई, इधर क्या आई, एक्सरे बीम आई ऐसे ही, और ऐसे ही ये क्या करी, आगे निकल गई। और यहां से हमने क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसको हमने क्या दिया, के आई नाम दिया, यानी इंसिडेंट वेव वेक्टर नाम दिया इसको। और ये सीधा कहां पर टकराएगी, जहां पे क्या होगा, लैटिस पॉइंट होगा, याद रहे, ये ए हो गया, इसको मैंने क्या नाम दिया, ओ नाम दिया, ठीक है ना। और जब ये क्या करेगा, थीटा एंगल पे टकराई, तो ये क्या करेगा, थीटा एंगल पे क्या करेगा, ये थीटा एंगल पे क्या करेगी, बोलो, ये थीटा एंगल पर क्या करेगी, डिफ्रेक्ट हो जाएगी, क्या करेगी, ये थीटा एंगल पर डिफ्रेक्ट हो जाएगी। तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी, और यहां भी वही लाइन जाएगी जहां इसके सर्कमफेरेंस पर क्या होगा, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट होगा। और इसको हमने क्या कर दिया, नाम केडी नाम दिया, क्या दिया, केडी नाम दिया। ये डायरेक्शन जरूर बनाइएगा, ये देखो ऐसे आया, ये इधर है, ठीक है ना। और यहां से हमने बताया, ओ से लेकर, ओ से क्या करते हैं, ओ से यहां इस लैटिस पॉइंट तक मैंने क्या किया, एक
वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट बी है, इस वेक्टर का नाम है क्या, जी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहते हैं। एच ए स्टेरेक्स प्लस के बी स्टेरेक्स प्लस एल सी स्टेरेक्स की वैल्यू होती है, और जी विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई डी एच के एल होती है, ठीक है ना। और यहाँ इसका एच डैश के डैश एल डैश इसका क्या है, कोऑर्डिनेट होती है, इसकी वैल्यू अभी मैंने बताया। अब क्या करते हैं, इस प्लेन को मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ा लेता हूं, ऐसे इस प्लेन की पिन को बदल देता हूं कलर को, ये प्लेन को मैं ऐसे क्या करता हूं, आगे बढ़ा देता हूं, ये मैंने नाम दे दिया यन दे दिया, ठीक है ना, ये प्लेन को मैंने आगे बढ़ा लिया, ठीक है ना। इसी को रिफ्लेक्टिंग प्लेन कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्टिंग प्लेन कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग प्लेन कहते हैं। इसकी मिलर इंडिसेस एच के एल होती है, अभी मैंने बताया ना, या उधर भी लिखा हूं साइड में, और ये यहां पर क्या होता है, 90 बनाता है, कितना बनाता है, 90 बनाता है, इतना जानते रहिए, ठीक। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी मैथमेटिकली इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है ये, ठीक बच्चों, तो देखते रहें आप लोग। तो चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पे, ये सारी बातें हो गई, सारी बातें यहां पे लिख दिया, तो ये चीज जानते रहो। अब देखना यार, अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, हमने सारी बातें मेंशन कर दिया, यहां जो जी की वैल्यू है 2 पाई बाई कितना होता है, डी होता है। यहां पर मैंने लिख दिया के आई बराबर के डी बराबर 2 पाई बाई कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर लिख दीजिए, ठीक है ना। और यहां पर इसकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, सही से लिख दूं, अगर देखना मैंने क्या लिखा, के आई मॉड बराबर के डी मॉड बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, प्रोपगेशन कांस्टेंट जानते हैं इसलिए इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है ना। अब देखिए, तो अकॉर्डिंग टू फिगर देखिए, सारा चीज आपको पता है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितनी होती है, अगर बताइए थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, बोलो, ये भी तो थीटा होगा ना, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, होगा दोनों सेम हो, क्योंकि ये लाइन क्या करते हैं, ये जो प्लेन मैंने बनाया रिफ्लेक्टिंग प्लेन ना, ये लाइन जरूर दिख रही है, ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है, देखो ऐसे मेरा हाथ दिख रहा है ना, मेरा हाथ दिख रहा है ना, प्लेन ऑफ पेपर की क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए एक लाइन दिख रही है, जबकि ये लाइन नहीं है, ठीक है ना। तो लाइन बनी हुई है, प्लेन एच के एल है। तो अब देखना इधर, साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या होता, परपेंडिकुलर बाय क्या कहते हैं कि हाइपोटेनियस होता है। तो ये ट्रायंगल कितना है, पहले ये लिख देता हूं किस ट्रायंगल में लेना है मुझे, ठीक है ना। देखना इन ट्रायंगल किसी में भी ले लेते हैं, यहां मैं कोई नाम दे देता हूं, यहां पे सी नाम दे दिया, ओसीएन क्या हो जाएगा, OCN, ACB में ना, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, बताइए कितना होता है, परपेंडिकुलर कितना है, कोई बताएगा, परपेंडिकुलर कितना है, ये BC है क्या, BC ये लाइन इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, आपको पता है। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस, हाँ AB है,
हाँ हाइपोटेनियस कितनी है, हाँ ए बी है, ए बी हाँ हो गया ठीक। अच्छा अब सुनना, बी सी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/2 हाफ हाफ कितना ओ बी, ये क्या है, बी सी कितना है, देखो बी सी कितना है, ओ बी का क्या है आधा है कि नहीं, ओ बी का आधा है ठीक। अच्छा जब ओ बी का आधा है तो मैं क्या करता हूं, इसको रख लेता हूं, और के डी ए बी मुझे पता है, ए बी कितना पता, 2π/λ मैंने बताया ना अभी। तो अब देखना इधर, तो मैं यहां पर रख देता हूं, यहां पर साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 बी सी बाई कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब मैं फिगर को चेंज करता हूँ ठीक है ना, यानी पेज को चेंज करता हूँ, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 कितना ओ बी, ओ बी बाई कितना ए बी। अच्छा ओ बी बताओ कितना बच्चों, देखो ओ बी बराबर जी बराबर 2π/dHkl जल है ना, या केवल इतना लिखूं डी, यही तो होता है ना ओबी के। दो देख लो यहां पर, देखो आप लोग यहां पर देखो, ये वाले ये पूरी लाइट कितना है, जी है ना, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो हम क्या कर देंगे यहां पर ओबी और ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए बी क्या है, के डी है, के डी की वैल्यू मैंने बताया 2π/λ है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ये 2π/ कितना होगा डी हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2π/λ हो जाएगा, 2π कट जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा। ये तो एक ट्रायंगल का हुआ, ये तो एक ट्रायंगल का हुआ ठीक है ना, तो हमने तो ऐसे दो ट्रायंगल बनाए थे, ये क्या था, ए था, ये ओ था, ये बी था, हमने ऐसे कुछ बनाया था ठीक है ना, और ये था, ये सी था, ये थीटा था, ये थीटा था, अभी तो इस ट्रायंगल का हुआ। सिमिलरली इसका भी बताइए, इन ट्रायंगल ओ ए सी, वो एसी में भी क्या होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू इतना ही आएगा ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो अगर मुझे लिखना है पूरे में इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी में निकालना है तो कितना करूंगा मैं बोलो, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी में क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा इसमें भी प्लस साइन थीटा इसमें भी बराबर कितना, लैम्डा बाई 2d प्लस कितना है, लैम्डा बाई 2d, तो बताइए 2 sin थीटा विल बी इक्वल टू 2λ/2d हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 sin थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई डी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये तो n विल बी इक्वल टू 1 ऑर्डर के लिए है ना, 1 ऑर्डर के लिए है, तो 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू कितना लैम्डा है, ये 1 ऑर्डर के लिए है, फॉर अगर मैं लिखूं फॉर n ऑर्डर के लिए, n ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा, 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू कितना n लैम्डा हो जाएगा, या तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं 2dHkl sin थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। दिस इज द ब्रैक्स लाइन रेसिप्रोकल, दिस इज द ब्रैक्स लॉ, ब्रैक्स लॉ इन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में ये क्या है, ब्रैक्स लॉ है। तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, ओके बच्चों, तो आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा आप लोगों को, और अब हम लोग बात करेंगे ब्रैक्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ओके okay?